वेलकम टू बिग बास्केट नाउ प्रेजेंट्स द आरसीबी पॉडकास्ट। सबसे पहले तो जब कोई भी कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे कोशिश करो कि अगर लोग जितने भी हैं वो तो हैं ही, तो स्कूल के बच्चों को या जो स्टेडियम्स में एथलीट्स होते हैं उनको वहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे देखना बच्चों को कम्पीट करते हुए। बच्चों के साथ साथ अगर उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड है तो वो भी आएँ, तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा उतना ही और अच्छे से और टीवी पे दिखाया जाए, जिससे हम बाहर कम्पीट करते हैं तो लोग, मतलब इंटरेस्ट तो ऐसा है कि इंटरेस्ट तो है ऑलरेडी, क्योंकि दो दो बजे तक रात को जाग के लोग देखते हैं जब हम खेलते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि दिखाया नहीं जाता हमको टीवी पे, तो वो चेंज आना चाहिए कि टीवी पे दिखाए जाए जब हम खेलें, लोग देख पाएं, इंडिया में ऐसे कॉम्पिटिशन हो ताकि ग्लोबल एथलीट के बीच में हम कम्पीट करें, उनके बीच में हम जीतें और हमारे देश के लोग वो देख पाएं कि देखो इंडियन एथलीट कम्पीट कर रहे हैं और जीत रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि जो माइंड सेट चेंज होगा लोगों का एथलेटिक्स को लेके, तो वो सबसे बड़ा चेंज होगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। और कुछ ना कुछ, जैसे बाहर हम यूरोप में होते हैं, डायमंड लीग्स होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। वो कभी स्ट्रीट के बीच में करवा देते हैं कुछ इवेंट, वो रेलवे स्टेशन में बीच में कुछ ना कुछ करवा देते हैं ताकि जो लोग आ जा रहे हैं वो भी देखें, और मार्केट में, मॉल के अंदर, तो ऐसे स्पोर्ट्स को वो ऐसे करवाते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और ज़्यादा पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए। तो वो अगर इंडिया में हो पाए, क्योंकि हमारे पास भी जगह तो है, काफ़ी बड़ी बड़ी मॉल भी हैं, तो ये चेंजेज अगर आ पाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। बस यही बोलना है, यही तुम्हारा ऐड? सही है यार। Now delivering in 10 minutes.